जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों, पिछले जो मैंने वीडियो इसमें स्क्वायर की आपको एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर केवल एक सेकंड में कैसे पता कर सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ घन ज्ञात करने की, यानी क्यूब ज्ञात करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक। केवल एक ही ट्रिक बताऊँगा, उसी पर आधारित आप कोई भी क्यूब का क्वेश्चन आसानी से, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। दोस्तों, केवल एक ट्रिक है, एक बार आपको समझना हो, उसके बाद में आप कोई भी क्यूब, चाहे कोई सा भी क्यूब ले लेना। कहीं पे भी अगर आपको मेरी ट्रिक फेल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, और उसकी मैं आपको निकाल के बताऊंगा दोस्तों। तो इससे पहले मैंने स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने के आसान आसान तरीके बता रखे हैं, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हो। अब दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है, केवल एक से लेकर 10 तक का क्यूब आपको ज्ञात कर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। वैसे तो आप सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो आपको इतना सा याद होना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपके सामने 45 लिखा हुआ है, मैं 45 का क्यूब एक बार इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ किस प्रकार से निकाला है, फिर आपको अगला क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा दोस्तों। 45 का क्यूब किस प्रकार से याद किए, देखो करना क्या, आपको मैंने बोला 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना है। करना क्या, जिस प्रकार 45 का अगर क्यूब निकालना है तो पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से 4 का क्यूब निकाल के इधर लिख देना साइड में, 4 का क्यूब लिख देना साइड में। फिर दूसरी साइड में आपको 5 का क्यूब निकाल के लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। इसके बाद में क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग कितना होगा, 16, उसको दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वाली संख्या का वर्ग दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई, वो रीजनिंग की तरह, तो कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 × 5, 16×5 = 80। फिर क्या करना, दूसरी वाली संख्या का वर्ग और पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली संख्या यानी 5 का वर्ग 25 मल्टीप्लाई 4 से, तो आ जाएगा 100। इस प्रकार से लिख देना है, ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है। केवल 3 स्टेप करना है, क्योंकि क्यूब है, वर्ग में 2 स्टेप करने थे, क्यूब में 3 स्टेप करने हैं। दूसरा स्टेप क्या करना दोस्तों, ये है दोनों जो क्यूब है इनमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो बीच में आपने मल्टीप्लाई करना है इनको इनके डबल कर देना है, नीचे इनका डबल करके लिख देना है। जैसे 100 का डबल 200 और 80 का डबल 160। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको इनको जोड़ लेना है, जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको काउंट, 125 के नीचे कुछ नहीं है तो 125 का 125 लिख दो, 100 के नीचे 200 कितने हो गए, 300 लिख दो, 80 के नीचे 160 कितने हो गए, 240 लिख दो, और 64 है जैसे का जैसे लिख दो। अब आपका आ जाएगा उत्तर तीसरे स्टेप में, करना कुछ नहीं होगा, बस क्या करना है, जो पीछे वाला जो अंक है इनमें जो आपने लिखा है उसका पीछे वाला अंक इधर उतारते जाना है, जैसे 125 का 5 इधर उतारना है, और जो आगे वाले 2 अंक है इसको क्या करना है, अगली संख्या में ऐड कर देना है, बस आगे वाले जो 2 अंक है इनको अगली संख्या में ऐड कर देना है। तो 5 आपने नीचे उतार लिया, 12 को अगर 300 में ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 312। अब क्या करना है, 312 का ये 2 इधर ऐड कर देना है, और जो आगे के 2 अंक है इसको क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे, तो आगे के 2 अंक कितने हो गए, 31। तो 31 इसमें अगर ऐड करते हैं तो कितने आएंगे, 172। तो 172 आ गया, तो 1 इधर उतार देना है लास्ट वाला, और जो आगे के 2 है वो इसको ऐड कर देना है इसमें, तो इसमें इसको ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 × 4 = 11 का 1, और 2 × 8 = 2 × 6 = 8, और 1 एडिशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, यानी 11 का 1 हासिल का बच गया ना, वो इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। अब आपको मैं खुद करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करना कोई भी संख्या का अंक। चलो अब करके देखते हैं 25 का। करना क्या दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, आप एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे। करना क्या आपको 25, तो पहले इसका क्यूब कितना होता है, 8, फिर इसका क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125। करना क्या है, इसका वर्ग कितना, 4, इसको अगली संख्या से गुणा, 5 × 20, इसका वर्ग 25, इसको पहले वाली संख्या से गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो हो गया, ये पहला स्टेप आपको करना है बिल्कुल आसानी से। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, इनको डबल करना है, और इसका डबल 100। करना क्या, अब इसको ऐड कर देना है, 125 का 125 है जैसे का जैसे रहेगा, इधर हो जाएगा 150, इधर हो जाएगा 60, और इधर हो जाएगा 8 का 8। बस अब आपके आगे हैं आंसर दोस्तों। अब देखिए 1 सेकंड में आंसर कैसे आएंगे, पीछे वाला एक अंक है वो यहाँ पे लिखते जाना है आपको, पीछे वाला अंक कितना आ जाएगा, 5। ये आगे वाले 2 अंक क्या करने हैं, इसमें ऐड, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 162। 50 में 12 ऐड करेंगे तो 162, तो ये 2 किधर, इधर लेके आ जाओ,
ये 16 इसमें ऐड करेंगे, 16 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, अगर 16 इधर से ला के इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 76, तो इधर क्या लेके आना है 6, और 7 का क्या करना है इसमें ऐड करना है, 8 और 7 15, ये लो दोस्तों आपको 15625 ये आपका क्यूब आ गया। अब आप ये किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी क्यूब निकाल के अपने हाथ से आप देख लेना, बस इतना सा काम करना है और आपका कोई भी क्यूब सिर्फ 3 सेकंड में, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, 2 से 3 सेकंड नहीं लगेंगे और आप ये आसानी से कर दोगे दोस्तों। तो कैसी लगी ट्रिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। जय हिंद।